नमस्कार दोस्तों, पड़ाव से मुगल सराय तक बन रहे सिक्सटीन प्रोजेक्ट में आपको जो है पेड़ों की कटाई का काम चालू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम वो पूरा कवर करेंगे, साथ ही साथ आपको इसका पूरा प्रोग्रेस दिखाएंगे कि अभी कितना काम हो चुका है। तो ये अभी हम जो है पड़ाव के पास हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पेड़ों की कटाई स्टार्ट हो गई है और इसके साथ ही साथ आपका जो है जो आपको मैं दिखाऊं तो ये साइड साइड से जो है आपका जो नाला बनाने का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको दोनों साइड से जो है नाला बन रहा है और ये देखिए और 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई होने वाली है। ये देख रहे पूरा पेड़ काटा गया है। तो चलिए आपको अभी दुल्हीपुर से अपना सफ़र शुरू करते हैं और इसके आगे से आपको पूरा ले चलेंगे और इसका पूरा प्रोग्रेस दिखाएँगे। क्योंकि जो मेन काम है आपका दुल्हीपुर से आगे जो है पड़ाव साइड ही हुआ है, तभी दुल्हीपुर के पास मार्केट में काम नहीं हुआ है। इसके आगे भी चलते हैं हम। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है लगभग 11 किलोमीटर है और ये आपका पड़ाव से स्टार्ट हो रहा है आपका मुगल सराय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए आपका जो गोधना चौराहा है वहाँ तक बनेगा, जहाँ से आपका जो है चकिया वाला रास्ता जाता है। बाकी आप इधर देखिए, साइड साइड में आपको दिख रहा होगा कि गिट्टी उट्टी बिछाने का काम इधर हो चुका है। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट में आपका दुल्हीपुर से आगे वाला जो है पड़ाव तक दोनों साइड से आपका जो है मिट्टी उट्टी हटाने का काम हो चुका है और लगभग लगभग जो है गिट्टी बिछाने का भी काम हो गया है, आप देख रहे होंगे। और साइड साइड भी आपको पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ के उस साइड जो आपका है उधर भी ये काम कराया गया है गिट्टी उट्टी बिछाने का। और आपका जो है धीरे धीरे पेड़ों की कटाई पड़ाव से स्टार्ट हो गया है, आज से स्टार्ट हुआ है, आपको मैं वो पूरा दिखाऊंगा। इसको लेकर भी आपको थोड़ा जाम वाम लग रहा है अभी। चलिए अभी इधर चलते हैं, आपको गिट्टी पे थोड़ा चलाते हैं। ये देखिए ये पूरा गिट्टी इधर बीत चुका है। तो ये आपका एक लेन का एक तरह से दिखे तो है। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है आपकी चौड़ाई की बात करें तो 180 फीट चौड़ा बन रहा है, काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा है ये दोस्तों। आपको इसमें 6 लेन है, 3 लेन एक साइड से और 3 लेन एक साइड से। तो ये वाला रूट का दोस्तों चौड़ा होना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि इधर से वो पता ही है कि बहुत सारे ट्रकें गुजरते रहते हैं हमेशा। और इसमें पड़ाव चौराहे से लेकर के जो है सुभाष पार्क तक 6 लेन का निर्माण हो रहा है। इसके बाद आपका जो है सुभाष पार्क से मुगल सराय VIP गेट तक 4 लेन बन रहा है। तो जो मुगल सराय का जो मेन मार्केट है वहाँ पर यह 4 लेन बन रहा है, क्योंकि वहाँ अगर 6 लेन किया जाता तो बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ती, जिस वजह से वहाँ पर 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया। और इसमें दोस्तों आपको सड़क के साथ साथ दोनों तरफ से आपका फुटपाथ भी बनेगा, साथ ही साथ नाली का भी निर्माण कराया जाएगा। और पेड़ों की तो बहुत ज़्यादा कटाई होने वाली है, इधर आप देख ही रहे हैं काफ़ी विशाल विशाल और काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं। देखते हैं इसकी भरपाई के लिए क्या योजना बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत की बात करें तो आपका 328 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। ये देख रहे हैं ये दूसरे साइड से ट्रक आ रहा है और गिट्टी तो आप देख ही रहे हैं दोनों साइड से बिछ चुका है पूरा। अभी जो इसका मेन काम था पेड़ों की कटाई वो भी आज से शुरू हो गई है। तो अब परियोजना जो है अपनी रफ्तार पकड़ने वाली है बहुत जल्दी। और यहाँ से दोस्तों जो बनारसी है लगभग आपका 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पड़ाव की बात करें तो आपका 5 किलोमीटर से कम का दूरी है, 5 किलोमीटर मान लीजिए फिर हम पड़ाव पहुँच जाएंगे। और इधर आप देख रहे होंगे पूरा दोनों साइड से मिट्टी उट्टी किस तरह से हटाई गई है। तो जो जगह खाली कराना था वो काम तो हो चुका है, आपका मिट्टी उट्टी भी सब आ गया है और आपका बहुत जगहों पर गिट्टी भी बिछ गया है। तो इस परियोजना का मैं अभी काफ़ी समय से अपडेट नहीं दे रहा था, सोचा कि जब पेड़ और कटाई चालू होगी तो आपको अपडेट देता हूँ। और आज मैं इधर आया था तो देखा कि पेड़ों की कटाई हो रही है तो फिर मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए। तो आपका जो गोधना में चौराहा है वहाँ तक ये बन रहा है और फिर गोधना से चकिया तक उधर भी आपका 4 लेन बनाने का प्रस्ताव है, उधर का भी रास्ता थोड़ा ख़राब है तो उस पर भी कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अब हम लोग जो दोस्तों धीरे धीरे पड़ाव के पास पहुंच रहे हैं
और इधर आपका जो है पेड़ों की कटाई चल रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपका जो है एक साइड का रास्ता बीच बीच में रोका जा रहा है आपका, जिससे एक ही साइड से दोनों वाहनें गुजर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा स्थिति में दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, यहीं पे आपको पेड़ों की कटाई चल रही है। चलिए तो आपको उतर के पूरा मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये कितनी टहनियाँ काटी गई है और बंदे ऊपर चढ़कर इसे काट भी रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, देखिए तो काफ़ी दोस्तों विशाल विशाल पेड़ हैं। इनको काटने में मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और ये ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा इधर चलता है, जिस वजह से उसमें भी दिक्कत है आपको। लोग जल्दी मानते नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए पूरा ये काटा जा रहा है। जब टर्निया कटती है उस समय आपको ये रास्ता बंद कर दिया जाता है। और जब लंबी टहनी कटती है, जो आपका उस साइड भी गिरने का उसका चांस रहता है, तो आपका दोनों साइड से रास्ता बंद किया जाता है। इसके लिए आपको पुलिस की भी सहायता ली जा रही है। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आपको 1 मिनट से 2 मिनट रोका जाता है, उसके बाद फिर ट्रैफिक चालू कर दिया जा रहा है। तुरंत उसको हटा लिया जाता है रास्ते में, जो भी गिरा रहता है मलबा पेड़ों का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप इधर देखिए, ये पेड़ों की कटिंग इधर हुई है अभी। तो अभी सुबह सुबह जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो 2 पेड़ों पर आपको कटिंग का काम चल रहा था। तो आज से ही मेरे ख्याल से ये स्टार्ट हुआ है पेड़ों की कटिंग का काम। देखिए, आपको मेरे चैनल पे एकदम एक्सक्लूसिव में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ये देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी टहनियाँ हैं। बंदे लोग काफ़ी एक्सपर्ट है काटने वाले जो हैं। और ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, ये पुलिस प्रशासन की मदद से, ये देखिए ये लंबा वाला डाली कट रहा है, जिसे दोनों साइड से रास्ता रोका गया है। ये देखिए, देख रहे हैं पूरा इधर गिरा हुआ। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।